नमस्कार, आपका स्वागत है एशिया न्यूज इंडिया में। मैं पूनम। उज्जैनी के श्री महाकालेश्वर भारत में 12 प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं। महाकालेश्वर मंदिर की महिमा का विभिन्न पुराणों में विशद वर्णन किया गया है। कालिदास से शुरू करते हुए कई संस्कृत कवियों ने इस मंदिर को भावनात्मक रूप से समृद्ध किया है। उज्जैन भारतीय समय की गणना के लिए केंद्र बिंदु हुआ करता और महाकाल को उज्जैन का विशिष्ट पीठासीन देवता माना जाता था। समय के देवता शिव अपने सभी वैभव में उज्जैन में शाश्वत शासन करते हैं। महाकालेश्वर का मंदिर, इसका शिखर आसमान में चढ़ता है। आकाश के खिलाफ एक भव्य अग्रभाग अपनी भव्यता के साथ आदिकालीन विस्मय और श्रद्धा को उजागर करता है। महाकाल शहर और उसके लोगों के जीवन पर हावी है। यहाँ तक कि आधुनिक व्यवस्थाओं के व्यस्त दिनचर्या के बीच भी और पिछली परंपराओं के साथ एक अटूट लिंक प्रदान करता है। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल में लिंगम स्वयं से पैदा हुआ, स्वयं के भीतर से शक्ति को प्राप्त करने के लिए माना जाता है। अन्य छवियों और लिंगों के खिलाफ जो औपचारिक रूप से स्थापित है और मंत्र के साथ निवेश किए जाते हैं। महाकालेश्वर की मूर्ति दक्षिण मुखी होने के कारण दक्षिणा मूर्ति मानी जाती है। यह एक अनूठी विशेषता है जिसे तांत्रिक परंपरा द्वारा केवल 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकालेश्वर में पाया जाता है। महाकाल मंदिर के ऊपर गर्भगृह में ओंकारेश्वर शिव की मूर्ति प्रतिष्ठित है। गर्भगृह के पश्चिम, उत्तर और पूर्व में गणेश, पार्वती और कार्तिकेय के चित्र स्थापित हैं। दक्षिण में नंदी की प्रतिमा है। तीसरी मंजिल पर नागचंदेश्वर की मूर्ति केवल नागपंचमी के दिन दर्शन के लिए खुली होती है। महाशिवरात्रि के दिन मंदिर के पास एक विशाल मेला लगता है और रात में पूजा होती है। इसी के साथ बने रहे एशिया न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद।